तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे दोबारा से बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। इतना इंटरेस्ट हो रहा है ना इसमें कि बार बार कुछ ना कुछ चीज़ खबरें निकल के आ रही हैं। आपको पता है कि 22 नवंबर को स्टार्ट हो रही है, पहला मैच पर्थ में है और आज 18 नवंबर हो गए, मात्र 3 दिन रह गए हैं, बीच में 2 या 3 दिन रह गए हैं। लेकिन टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है ना पर्थ के लिए, वो अभी भी सेटल नहीं हो पाई है। आपको अगर बल्लेबाजी की बात करें, लेकिन ये वीडियो है गेंदबाजी के लिए है पहले, तो अगर बल्लेबाजी की बात करें इसमें, तो आपका प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी फिट ही नहीं हो पा रहे। रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, शुभमन गिल को दाहिने अंगूठे में चोट लगी है और केएल राहुल भी थोड़ा सा असमंजस में है, खेलेंगे नहीं। तो बहुत मुश्किल हो रही है बैटिंग में। लेकिन अगर बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में भी असमंजस है। अगर आपके प्राइम बॉलर हैं जो सबसे, तो जसप्रीत बुमराह वो आपके प्राइम बॉलर रहेंगे, उसको तो 100% कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते हम। लेकिन जो दूसरे बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, वो 100% खेलेंगे पर्थ टेस्ट। चाहे उनका जो पिछला फॉर्म है ना, चाहे आप न्यूजीलैंड में देख लीजिए, चाहे आप वनडे और T20 में देख लीजिए, उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपकी फिर बैकअप ऑप्शन नहीं है ना, तो आपको मोहम्मद सिराज को खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब तीसरे नंबर की जो है स्पॉट खाली है, उसमें कौन कौन से कंटेंडर हैं? सबसे पहले उसमें कंटेंडर हैं जो आकाशदीप, जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले हैं। फिर है हर्षित राणा, जिन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला इंडिया के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ। और तीसरे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल मैच 2 ही खेले लेकिन फर्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे आकाशदीप की। तो जैसा आपको पता है कि आकाशदीप जो हैं थर्ड बॉलर की तरह खेलते हैं, खेल रहे हैं इंडिया के लिए, और न्यूजीलैंड के साथ भी खेले हैं, वो के विरुद्ध भी खेले हैं, और वो परमानेंट स्थान रहा है उनका तीसरे बॉलर में। अगर उनकी टेस्ट मैचेस की बात करें तो 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 10 विकेटें ली हैं और उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस का। लेकिन सबसे बड़ा उनका हथियार रहता है कि वो जल्दी ही शुरुआती ओपनर्स को आउट कर देते हैं। आपने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा विल यंग या टॉम लैथम, वो जल्दी ही शिकार बना लेते हैं। लेकिन उनका ये है कि उनकी बॉलिंग जो स्पीड है 130 या 35 तक ही रहती है उनकी बॉलिंग स्पीड, जो कि पर्थ के ऐसी पिचों में पूरा सूट नहीं करती। तो थोड़ा सा आकाशदीप का मुश्किल लग रहा है। अब बात करेंगे भाई हर्षित राणा की। हर्षित राणा के चांस काफ़ी अच्छे हैं इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए और अपना डेब्यू करने के लिए, क्योंकि भाई उनकी स्पीड बहुत तगड़ी है। वो ऐसे बॉलर हैं जो 140 या 140 प्लस निरंतर रूप से फेंक सकते हैं, कंटिन्यूस रूप से, और उन्होंने आईपीएल में भी अपने आप को शो किया। आईपीएल में भी उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को आउट करा है। अगर उनकी एक्सपीरियंस की बात करें, सबसे नेगेटिव पॉइंट उनका ये है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला इंडिया में, लेकिन फर्स्ट क्लास उन्होंने 10 टेस्ट मैच खेले फर्स्ट क्लास में। चलो एक्सपीरियंस का तो कुछ नहीं, कभी ना कभी तो मैच आपको खिलाना ही पड़ेगा, तो डेब्यू तो कर सकते हैं, उनके चांस सबसे ज़्यादा है। अब बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा के भी चांस अच्छे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है ना जिसके पास पेस भी है, स्विंग और सीम भी है, और प्लस एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत ज्यादा है। अगर प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो वो इंडिया के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास मैच काफी खेले हैं, 21 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 75 विकेटें ली हैं। तो भाई एक्सपीरियंस की बात करें, अगर स्पीड की बात करें, तो आपका जो ध्यान जाता है प्रसिद्ध कृष्णा में जाता है, एक्सपीरियंस प्लस स्पीड। लेकिन जो मेरा मन कहता है ना कि यहाँ पर हर्षित राणा जो है डेब्यू करेंगे अपना, क्योंकि केकेआर से आते हैं और प्लस गौतम गंभीर थोड़ा केकेआर को ऑब्वियसली फेवरेटिज्म तो करते ही करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि डेब्यू यहाँ पर हर्षित राणा का होगा, साथ में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनकी तगड़ी है, स्पीड तगड़ी है उनकी, और धुरंधर को आउट किया है आईपीएल में। तो होप अच्छा हो इंडिया के लिए पहला टेस्ट मैच। तो यही थी खबर, कौन कौन से तेज गेंदबाज माइट भी खेल सकते हैं पहला टेस्ट मैच पर्थ में। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।